हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चिन्मयी। सो ये ब्लॉग आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद। सो बहुत सारे साग हस्बैंड में लेके आए थे तो यहाँ पे मैंने क्लीन करके रख दिया है। अभी मैं आज साग भी बनाऊँगी और यहाँ पे मैंने पीनट्स को भून रही हूँ, क्योंकि पीनट्स ऐसे भून के रख देने से ना मुझे बहुत ईजी होता है कभी कभार उपमा में डालने के लिए या कुछ चटनी वगैरह बनाने के लिए, तो मुझे ईजी होता है इसीलिए मैंने यहाँ पर भून के रख देती हूँ। और आज भिंडी फ्राई भी बनाना है तो भिंडी को भी मैंने यहाँ पे कट करके रख दिया है। और यहाँ पे देखिए मेरा राइस हो रहा है और साग भी मैंने साफ़ करके साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे बनाने के लिए चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। और अभी थोड़ी देर टाइम लेगा वो बना मतलब कुक होने में। और यहाँ पे देखिए जो भी वेजिटेबल था अवेलेबल वो मेरी बेटी के लिए मैं खिचड़ी के लिए काट के साफ़ करके रखी हूँ। और यहाँ पे मेरे दाल भी देखिए बन के रेडी हो चुका है। और आज मैं ज़्यादा कुकिंग सूट नहीं कर पाई और ये रहा इवनिंग का टाइम। एक्चुअली बहुत दिन के बाद मतलब दोनों बच्चे मेरे बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहे, बहुत बोर फील कर रहे थे इसीलिए ऐसे ही जस्ट गाड़ी में एक राउंड घुमा के लेके आने के लिए हम लोग गए थे बच्चे लोग को। तो ऐसे ही अच्छा लगता है इवनिंग के टाइम में। बहुत सारे लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे, बट अच्छा लगा, थोड़ा सा फ्रेश एयर मतलब मिलता है ना तो आपको बहुत फ्रेश फील होता है। और इसी चक्कर में मैं छोटी बेटी ना बहुत डर रही है अभी, मतलब वो तो मतलब लास्ट ईयर ही पैदा हुई है बट ये बहुत डर रही है। अगर बाहर कहीं पे भी लेके जाओ, कंटिन्यूसली घर में रहती है ना तो बाहर लेने से बहुत बहुत डरती है और रोती भी है। घर में ही वो कंफर्टेबल भी रहती है इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए उसको बाहर लेके गई थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं। तो ये देखिए मेरी बड़ी बेटी कहीं पे भी जाए उसको तो न्यू टॉयज़ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो घर वापस नहीं आएगी। तो ये एक डॉक्टर टॉयज़ उसको चाहिए था तो वो लेके आई है। और बच्चे लोग घर पे रहते ही है, उनको बोर भी लगता है और ठीक है। और यहाँ पे मैं गई थी तो मुझे एक्चुअली मेरा बिंदी ख़त्म हो गया था तो ऐसे ही कुछ लोकल मार्केट से मेरे को मिल गया है। और ये वाला स्प्रे बॉटल मुझे चाहिए था मेरे को कुछ DIY करने के लिए। और ये वाला वाइपर मुझे चाहिए था तो ऐसे ही मैं मॉल में एक बार लेके आई थी। तो अभी तो मॉल नहीं जा सकते, लोकल में जो मिल रहा है वही इस्तेमाल मैं लेके आई हूँ। और मुझे ना कॉटन हैंड टॉवल चाहिए था, मैं ऑनलाइन से ऑर्डर भी की थी लेकिन वो पता नहीं क्या कैंसिल हो गया था इसीलिए मैंने लोकल मार्केट से ऐसे देख लिया। मुझे इसे इस टाइप का मतलब टर्किस टॉवल मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कॉटन का चाहिए था बट नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल रफ यूज़ के लिए मैं किचन के लिए लेके आ गई 3 कलर। मैंने सोचा कि काम चल जाएगा, फिर बाद में मैं कभी ऑनलाइन से देखूँगी तो फिर ऑर्डर करूँगी ठीक है। बट मुझे टर्किस इतना कम्फर्टेबल नहीं लगता है किचन में, बट इट्स ओके। बट ये रहा हम लोग का इवनिंग का स्नैक्स। और गाइस मैं उसी दिन भी शाम को ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और ये रहा नेक्स्ट डे का मॉर्निंग, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट। तो आज है संडे, सो संडे के दिन कुछ तो चीटिंग चलता है करके मैं आज ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ और सबको भी बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे मैं एक के साथ सारे मसाला वगैरह ऐड करूँगी, लाइक जो भी टर्मरिक पाउडर या रेड चिली पाउडर और चिकन मसाला मैं हमेशा ऐड करती हूँ वो वाला मैं ऐड करूँगी। और उसके ऊपर मैं ऑनियंस ग्रीन चिली ऐड करके मैं ये वाला बनाऊंगी। बट मेरी बड़ी बेटी वो ग्रीन चिली नहीं खाती है, उसके लिए सिर्फ मेरे मसाला के साथ थोड़ी सी ऑनियन मिला के मैं पहले उसके लिए बना के निकाल दूंगी, फिर बाद में हम लोग के लिए ग्रीन चिली ऐड करूंगी। और बहुत ही यमी बना था उस दिन, पता नहीं अच्छी तरह से ना कम ऑयल भी दीजिए बट अच्छी तरह से थोड़ी देर मतलब पकने दीजिए उसको, तब भी जाके उसका टेस्ट निखर के आएगा। तो बहुत टेस्टी बना था उस दिन, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे ब्रेड ऑमलेट। सो चलिए चलते हैं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए।
और घर में सारी ग्रोसरी ख़त्म होने को आया है। मंथ एंड हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ख़त्म हो गया है। हम लोग का जो रेड चिली सॉस है, जो टमेटो सॉस है, सारे चीज़ें ख़त्म होने को आया है। देखिए मैं निकाल रही हूँ बट निकलने भी नहीं रहा है। सो अभी फिर से हस्बैंड जाएंगे सारे जो मंथली ग्रोसरी मॉल से लेके आएंगे। तो ठीक है, जितना है उतना ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे आज। और बट ब्रेड ऑमलेट बहुत अच्छा यमी बना था। सो गाइस, ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, गुड बाय।